ऑलिम्पिक मधील सर्व पदक विजेत्यांचा एक भव्य सत्कार कार्यक्रम नवी दिल्लीत आज झाला. केंद्रीय क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर, केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू आणि राज्यमंत्री निसित प्रामाणिक यांच्या हस्ते पदक विजेत्यांना गौरवण्यात आलं. ऑलिम्पिक खेळाडूंनी अत्यंत अभिमानास्पद कामगिरी केली असून हे खेळाडू नव्या पिढीला प्रेरणा देत राहतील असं केंद्रीय क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी यावेळी त्यांचं अभिनंदन करताना सांगितलं. संपूर्ण जगात कोरोनाचं थैमान सुरू असताना तुम्ही हिमतीनं लढत राहिलात, ऑलिम्पिकसाठी तयारी करत राहिलात हे कौतुकास्पद असल्याचं ते यावेळी म्हणाले. आपने आज के हिंदुस्तान के मला कल्पना आलीच होती की आपली कामगिरी उत्तम झाली आहे, मला मिळालेलं सुवर्ण पदक हे माझं एकट्याचं नसून संपूर्ण देशाचं आहे, अशी प्रतिक्रिया नीरज चोप्रा यांनी व्यक्त केली. और ये नया भारत जो है वो बहुत अलग सोचता है. इस न्यू इंडिया के लिए आप न्यू हीरोज है. राष्ट्रगान टोक्यो में बज रहा था लेकिन 135 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व के साथ हिंदुस्तान और दुनिया के अलग अलग देशों में ऊंचा हो रहा था. नीरज जी, आपने केवल मेडल नहीं जीता, भारतीयों का दिल भी जीता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा के रूप में आप यहां पर आए हैं. मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा गोल्ड मेडल, ये मेरा नहीं पूरे इंडिया का है. और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूं मेडल को. मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कंपटीटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए. और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कॉम्पिटिशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है. तो मुझे लगता है कि बस अपना 100% दो और किसी से घबराओ मत. आता हवामान.